हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन जिससे बहुत ही अच्छा है, जो कि मार्केट प्लेस में, जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक रिडीम लगा सकते हैं। मिनिमम है जो 5, 6, 7, और इसमें एक ज़्यादा है कुछ नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, और उससे आपको कुछ स्क्रैच कार्ड भी लेंगे। उन स्क्रैच कार्ड को आप तुरंत ही डायरेक्ट रिडीम कर सकते हो पेटीएम में। और सबसे पहले हम माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में चलेंगे, ठीक है? अगर आप प्ले स्टोर में नहीं जाना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल देता हूँ उस एप्लीकेशन का, तो आपको लिखना है डिजिटल 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 शोरूम करके सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद में डिजिटल शोरूम सर्च करना है, और जो सॉरी ये डेमी कर लिख गया, माफ़ी चाहता हूँ, डिजिटल शोरूम, और जो ये कि यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है? तो गलती से कुछ ओवर टाइपिंग हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और तो डिजिटल शोरूम लिखेंगे, और इसका नाम जो फुल है डिजिटल शोरूम ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से मैं ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले इसका जो इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर 15 सेकेंड होंगे, फ्री व्हाट्सएप स्टोर है ये, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर एक आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। ओके, तो एक व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं हम, ये तो अंग जो गलत हो गया था मुझे लगता है, नंबर सब दोबारा से मैंने सही डाल दिया है, नंबर सही डाला है, और मैंने अभी देखते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, और समथिंग वेंट टू बेड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दुकान का नाम डालना है, जैसे कि आप किराना स्टोर डाल सकते हो, किराना स्टोर, और नेक्स्ट कर दें, और नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ लिखा आता है, अच्छा इसमें कुछ लिखा हुआ है शॉप, हम शॉप डाल देते हैं, मान लो नाम ही डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है? यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर लोकेशन आप लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि हमारी बिल्कुल सेम जो है सेम डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, और नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पे सबसे पहले एक बैंक अकाउंट ले लें आप, जो भी आपका है, ठीक है? तो मैं सजेशन करता हूँ कि आप पेटीएम ही ले लें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? तो हम पेटीएम को चूज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके पेटीएम सर्च कर लेते हैं, या तो आ चुका है यहाँ पर पेटीएम वाला, तो पेटीएम पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले होल्डर नाम डाल देते हैं, ठीक है? तो अकाउंट नंबर डाल देते हैं, अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा से हम डालना पड़ेगा, डालने के बाद में आईएफएससी कोड डालना होता है, जो कि पेटीएम 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से इस तरीके से करना है, और क्रिएट आपको कर देना है। माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा मिस मैच हो गया, अब सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूअर बैंक इज अकाउंट, तो यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, सो थोड़े टाइम में ये हो चुका है क्रिएट, और अलाउ कर देते हैं। तो हमसे अब यहाँ पे जो आता है, बाकी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनको कर सकते हैं, बाकी सबसे पहले यहाँ पे ए टू प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको करना होगा, और आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं, 0 है। ओके, यहाँ पे कोई एड मनी नहीं है, एड मनी का ऑप्शन भी होता है, वीक वाला भी होता है, और ये कोई फ्लैश वाला है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंड टू डील,
रील वगैरह भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है और SMS भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे QR कोड का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मई ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर पे वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम ना लेते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप इनको स्क्रॉल करके आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सेटिंग में ज़्यादातर कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप अपना पिक डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पे ऑफ़र वगैरह हैं जो आप रेफ़र करके आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माई रिवार्ड, आप रिवार्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मिला। यहाँ पे देखिए 0 है, कोई रिवार्ड नहीं है, ये सब लॉक हुए पड़े हैं। सो हमें करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा रिटर्न चलते हैं, रिटर्न चलने के बाद में हमें क्या करना होगा, फिर दोबारा से मैनेजर भेजें, यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, आपके हाथ में जो भी है कुछ भी ले लीजिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आप उसका आइटम ले लो, जैसे कि सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल डाल देते हैं, ओके। सो प्राइस आप डाल दें इसमें जितना भी है वो, ओके। सो उसके बाद आपको एक कैटेगरी क्या है, कैटेगरी प्रोडक्ट है, मोबाइल है, तो मोबाइल डाल देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सेव दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे ये डालना होगा, उसके बाद हमें क्लेम टू रिवार्ड पे ओके करना होगा। सो देखते हैं कि हमें क्लेम टू रिवार्ड पे मिलता है या नहीं मिलता है, क्या मिलता है एक बार हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें 4 रुपये मिल चुके हैं, सो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, और ये जो 4 रुपये हमारे तुरंत ही हैंड टू हैंड कहाँ चले जाएंगे, हमारे उसमें चले जाएंगे वॉलेट में, ठीक है। सो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि डोमिनेशन में आ चुका है वो 4 रुपये हैं। सो हम अपने पेटीएम में चलते हैं, पेटीएम में जाने के बाद हम चेक करते हैं कि कितने अभी 4 रुपये हैं, तो डायरेक्ट अभी तुरंत पासबुक में चलते हैं, देखते हैं कि आए हैं कि नहीं है, क्योंकि मैं लाइव दिखा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि इसमें आप कुछ वैसे दिखा रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। पासबुक में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिसीव हो चुके हैं मुझे, नीचे देखिए प्लस में रिसीव टू। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।